बांग्लादेश में विद्रोह और हिंसा ने प्रधानमंत्री शेख हसीना से उनकी कुर्सी छीन ली। भारी प्रदर्शन के बाद तख्तापलट हो गया। हालात बिगड़ता देख उन्होंने देश छोड़ दिया और भारत में शरण उन्होंने ली। उनका विमान दिल्ली के पास गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर उतरा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सोर्सेस के मुताबिक शेख हसीना आज भारत में ही रहेंगी। इस वक्त शेख हसीना हिंडन में मौजूद हैं। उनकी सुरक्षा के लिए कड़ी सुरक्षा तैनाती की गई है। सोर्सेस के मुताबिक शेख हसीना शरण लेने के लिए लंदन जा सकती हैं या फिर स्विट्जरलैंड भी जा सकती हैं। बांग्लादेश में जारी अशांति के बीच में पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा क्षेत्र को हाई अलर्ट पर रखा गया है। भारत ने बांग्लादेश के लिए सभी रेल सेवाएं रोक दी हैं। वहीं बांग्लादेश में तख्तापलट के पीछे पाकिस्तान की साजिश भी हो सकती है, जो जानकारी मिल रही है। और आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के पास अब क्या विकल्प बचे हैं। चूंकि उन्होंने भारत में शरण ले रखी है तो आपके लिए जानना जरूरी है कि उनके पास विकल्प आगे के लिए क्या हैं। पहला, लंदन में राजनीतिक शरण वो ले सकती हैं। दूसरा ऑप्शन उनके पास है, फिनलैंड जा सकती हैं या फिर स्विट्जरलैंड में भी वो शरण ले सकती हैं। तीसरा विकल्प, राजनीति से संन्यास ले सकती हैं। चौथा, भारत की मध्यस्थता से वापसी का रास्ता भी बन सकता है बांग्लादेश का शेख हसीना के लिए। अब आपको बता देते हैं कि शेख हसीना ने राजनीति को अलविदा कह दिया है। अब वो राजनीति में वापसी नहीं करेंगी। ऐसा कहना है कि उनके बेटे सजीब वाजिद जायका, उन्होंने कहा है कि शेख हसीना अपने नेतृत्व के खिलाफ हुए विद्रोहों से बहुत ज्यादा निराश हैं। उन्होंने कहा कि शेख हसीना रविवार से ही इस्तीफा देने का विचार कर रही थी। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस एक्शन पर शेख हसीना का बचाव करते हुए सजीब वाजिद ने कहा कि जब बांग्लादेश में पुलिस वालों को पीट पीट कर मारा जा रहा था तो उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। तो शेख हसीना ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने बांग्लादेश भी छोड़ दिया है। अब सवाल है कि आगे क्या होगा। उन्होंने बांग्लादेश अभी भी जो वहां छोड़ा है वहां पर अशांति बनी हुई है। वहां लोग अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। चारों तरफ हाहाकार मचा है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट और समझाते हैं आपको बांग्लादेश के हालात इस रिपोर्ट के जरिए। पहला हथौड़ा बांग्लादेश के जनक बंग बंधु की मूर्ति पर, दूसरा हथौड़ा बांग्लादेश के लोकतंत्र पर, तीसरा हथौड़ा बांग्लादेश की समूल व्यवस्था पर, चौथा हथौड़ा शेख हसीना सरकार पर। तस्वीरें हिला देने वाली हैं। बांग्लादेश के 53 सालों के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। राजधानी ढाका को फूंक दिया गया। हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए। हिंसा का तांडव जारी है। आर्मी बंदूक ताने खड़ी है। दूसरी ओर आवाम मुट्ठी बांधे नारे बुलंद कर रही है। गोलियों की बिसात बिछ रही है। अब तक 300 लाशें गिर चुकी हैं। हजारों लोग जख्मी हो चुके हैं। पुलिस के सायरन और एम्बुलेंस के शोर से ढाका गूंज रहा है। जो विद्रोही हैं, वो तो जान हथेली पर उठाए घूम रहे हैं, लेकिन जो आम लोग हैं, घरों में दुबके हैं, सहमे हुए हैं। देश का क्या होगा? मुल्क को इस धधकती आग से कौन बचाएगा?
बांग्लादेश उन्माद की आंधी में तिनका सा बिखर रहा है। बांग्लादेश पहले ईंट दर ईंट टूटा, अब दीवार दर दीवार ठह रहा है। प्रधानमंत्री शेख हसीना के आवास गणभवन में हजारों की भीड़ घुस गई, बेडरूम तक पर कब्जा जमा लिया। हिंसा को देखकर शेख हसीना भाषण रिकॉर्ड करना चाहती थी, लेकिन उन्हें ऐसा करने का मौका तक नहीं मिला। बांग्लादेश के पीएम हाउस के बेडरूम में प्रदर्शनकारी को आराम फरमाते देखा जा सकता है, प्रदर्शनकारी को पीएम हाउस के लॉन में भी टहलते देखा जा सकता है। भीड़ ने गृहमंत्री अज़दुज़्ज़मान खान के घर को भी आग के हवाले कर दिया। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के दफ्तर में गुस्साई भीड़ ने आग लगा दी। बांग्लादेश इस वक्त आक्रोश वाली जलती भट्टी बन चुका है। जनता का गुस्सा सड़कों पर खूनी संग्राम में तब्दील हो गया है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पहले इस्तीफा दिया, उसके बाद अपनी छोटी बहन शेख रिहाना के साथ देश छोड़कर भाग खड़ी हुई। अराजकता, अव्यवस्था, आक्रोश, आगजनी, आक्रामक और हिंसक हुई भीड़ ने मुल्क को पतन के पाताल में पहुंचा दिया है। पूरा देश जल रहा है। खून, जख्म, लाशें और मातम के बीच देश की कमान आर्मी ने संभाल ली है। आप कह सकते हैं कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वकार उज जमान ने ऐलान कर दिया है कि वो सब संभाल लेंगे। आमी समस्त राजनैतिक दलेर नेतृबृंद के एखाने आमंत्रण करेछिलाम, ओनारा एखाने एसेछेन, आमरा एकटा सुंदर आलोचना करेछि। सेखाने आमरा सिद्धान्त नियेछि जे एकटा इंटरिम गवर्नमेंट आमरा फर्म करब, एबं इंटरिम गवर्नमेंटेर माध्यमे एदेशेर समस्त कार्यकलाप चलबे। क्यों बांग्लादेश में लग गई बर्बादी की आग? कैसे तबाह हो गई शेख हसीना की सरकार? भीड़ ने क्यों उखाड़ फेंकी चुनी हुई सरकार? और सबसे बड़ा सवाल कि बांग्लादेश की कमान अब किसके हाथ? आपको बर्निंग बांग्लादेश की हर एक डिटेल दिखाएंगे। आपको बताएंगे कि कैसे शेख हसीना के खिलाफ भड़की भीड़ ने कानून को अपने हाथों में लेकर देश को जला डालने की कसम खाई। लेकिन उसके पहले तस्वीरें जो बांग्लादेश के अंधकार में भविष्य की गवाही है। प्रदर्शनकारियों ने कई अहम रास्तों पर भी कब्जा कर लिया है। इंटरनेट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इस बीच मुख्य विपक्षी पार्टी बीएनपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए हैं, जो आवामी लीग के कार्यकर्ताओं को निशाना बना रहे हैं। जब प्रदर्शनकारी स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन के परचम तले आयोजित असहयोग कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे, आवामी लीग, छात्र लीग और जुबो लीग के कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच झड़प हुई। राजधानी ढाका सहित देश भर में सेना तैनात कर दी गई है। सड़कों से पुलिस को हटा दिया गया है। तो बांग्लादेश में हिंसा की शुरुआत जुलाई में हुई थी और इसी दौरान प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे 6 लोगों को डिटेक्टिव ब्रांच ने सेफ रखने के नाम पर 6 दिनों तक बंधक बनाकर रखा। अब बताया गया कि इन लोगों से आंदोलन वापस लेने का वीडियो जबरन बनवाया गया, लेकिन जब मामला खुला तो लोगों का गुस्सा और भड़क गया। देश भर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। स्कूल, कॉलेजों और मार्केटों में 3 दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। हिंसा को देखते हुए कई ट्रेनों का ऑपरेशन अगले आदेश तक रोक दिया गया है। कपड़ा फैक्ट्रियों में भी ताला लग गया है। पुलिस ने लोगों को जहां तक हो सके घरों में रहने को कहा है। कोर्ट भी बंद कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि बंदी के दौरान बहुत जरूरी मामलों में ही सुनवाई की जाएगी। इसके लिए चीफ जस्टिस इमरजेंसी बेंच का गठन करेंगे। बांग्लादेश में छात्रों का विरोध प्रदर्शन पिछले महीने एक विवादास्पद नौकरी कोटा योजना के खिलाफ शुरू हुआ था। विरोध प्रदर्शन अब सरकार विरोधी आंदोलन में बदल गया है। आंदोलनकारियों ने नरसिंहगढ़ी जिले में शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के 6 कार्यकर्ताओं को मॉब लिंचिंग कर मार डाला। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोपहर में प्रदर्शनकारियों ने जुलूस निकाला था, जिससे आवामी लीग के कार्यकर्ता नाराज हो गए। उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। इससे नाराज होकर प्रदर्शनकारियों ने पलटवार किया। आवामी लीग के कार्यकर्ता डर कर एक मस्जिद में छिप गए, जहां से निकाल कर उनकी पिटाई की गई, जिसमें 6 कार्यकर्ता मारे गए। इसके पहले सिराजगंज शहर में प्रदर्शनकारियों ने रविवार को पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया। उन्होंने पुलिस कर्मियों को मारा, वहां आग लगा दी। इस हमले में 13 पुलिस कर्मी मारे गए। जुलाई में ही बांग्लादेश में हिंसा शुरू हो गई थी।
पिछले महीने विरोध प्रदर्शन को लीड कर रहे 6 लोगों को डिटेक्टिव ब्रांच ने सेफ रखने के नाम पर 6 दिनों तक बंधक बनाकर रखा था। इन सभी से आंदोलन को वापस लेने के लिए जबरदस्ती वीडियो बनवाया गया। जब ये कैद थे तब गृहमंत्री ये दावा कर रहे थे कि इन्होंने अपनी मर्जी से आंदोलन को खत्म करने की बात कही है। जब मामला खुला तो प्रदर्शनकारियों का गुस्सा और भड़क गया। इससे पहले शेख हसीना ने रविवार को सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी, जिसमें आरोप लगाया कि आंदोलनकारी वार्ता की टेबल पर आए, विपक्ष आंदोलन की आड़ में हिंसा कर रहा है। इस बीच छात्र आंदोलन के कोऑर्डिनेटर नाहिद इस्लाम ने ऐलान किया कि मंगलवार को प्रस्तावित ढाका मार्च अब सोमवार को होगा, अब सड़कों पर ही फैसला होगा। मीरपुर से हजारों छात्रों ने कूच किया, पुलिस ने रोकने की कोशिश की और हिंसा भड़क गई। आपको आगे दिखाएंगे कि क्यों जल रहा है बांग्लादेश, क्या है इसकी असली वजह। उससे पहले उस चेहरे को देखिए जो इस आंदोलन का चेहरा माना जा रहा है। नाम है नाहिद इस्लाम। इस्लाम ढाका यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। उसने पुलिस पर आरोप लगाया कि 20 जुलाई की सुबह उसे उठा लिया गया, हालांकि पुलिस ने इससे इनकार किया। इस्लाम के गायब होने के 24 घंटे बाद उसे एक पुल के नीचे बेहोशी की हालत में पाया गया। उसने दावा किया कि उसे तब तक पीटा गया जब तक वो बेहोश नहीं हो गया। असल में बांग्लादेश में आग भड़की ही है, छात्रों के विरोध प्रदर्शन वाली, लेकिन अब इसमें विपक्षी पार्टियां भी शामिल हो चुकी हैं। शेख हसीना प्रदर्शन को कुचलने की कोशिश करती रही और मामला बिगड़ता चला। अब आलम यह है कि बांग्लादेश धू धू कर जल रहा है। बांग्लादेश में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच भारत ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के ताजा हालातों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अगले आदेश तक बांग्लादेश की यात्रा न करने की सख्त हिदायत दी है। भारत के विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश में मौजूद अपने नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश में मौजूद भारतीय नागरिकों को इन नंबरों पर +88019583838679 +88019583838680 +88019374005 पर संपर्क करने को कहा है। बांग्लादेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए बीएसएफ ने भारत बांग्लादेश सीमा पर हाई अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ ने चौकसी बढ़ा दी है। बांग्लादेश का क्या होगा, इस सवाल का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, बस तस्वीरें दिख रही हैं। वार्निंग बांग्लादेश की। आखिर बांग्लादेश में हालात इतने खराब कैसे हो गए, इसके पीछे पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी ISI की साजिश हो सकती है। हो सकता है कि इस तख्ता पलट के पीछे चीन का भी हाथ हो, क्योंकि शेख हसीना की भारत से अच्छी दोस्ती के कारण दखल नहीं दे पा रहा था चीन। महीने से जिस जमीन पर शेख हसीना की सरकार खड़ी उसके नीचे वो सैलाब बहुत खामोशी से बह रहा था, जिसकी वजह से शेख हसीना का किला ढह जाने की पूरी गारंटी थी। शेख हसीना सब कुछ बहुत करीब से देख रही थी। इस विरोध को दबाने की लाख कोशिश हुई, लेकिन बांग्लादेश में पब्लिक के गुस्से का सैलाब ज्वालामुखी बनकर फूटा। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपना मुल्क छोड़कर जाना पड़ा। इस तरह ढह गई शेख हसीना की सत्ता, जैसे ताश के पत्तों से बनाई गई कोई इमारत होती है। इस तरह बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार खत्म हो गई। देखते देखते सब कुछ ढह गया। बांग्लादेश में हंगामा, सड़क पर पब्लिक। सिस्टम की नाकामी से भड़के नौजवान। और शेख हसीना की सरकार पर गुस्सा, सब कुछ समानांतर चलता रहा। जून के बाद से बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शनों का दौर ऐसा तेज हुआ कि जुलाई में नौबत फायरिंग किया गई और अगस्त शुरू होते होते शेख हसीना की मुखालफत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उनको बांग्लादेश को बाय बाय करना पड़ा।
यानी जून में बांग्लादेश सुलगने लगा था और जुलाई में विरोध प्रदर्शन इतनी तेजी से बढ़े कि शेख हसीना को पहली बार लगा कि उनकी सत्ता कमजोर पड़ रही है। इसके बाद अगस्त की जब 5 तारीख आई तो शेख हसीना को देश छोड़कर जाना पड़ा। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के खिलाफ जो पब्लिक ने बगावत की, इस दौरान हिंसा में करीब 300 लोगों की मौत हो चुकी है। 300 लोगों की मौत का गुस्सा जून से लेकर अगस्त तक इतना उबाल खाया कि शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। बांग्लादेश में अब सब कुछ सेना के हाथ में है। इसी साल 23 जून को बांग्लादेशी फौज की कमान संभालने वाले जनरल वकार उज जमा ने कहा है कि सेना पर यकीन बनाए रखें। আপনারা সেনাবাহিনীর প্রতি আস্থা রাখেন, সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি আস্থা রাখেন। আমি সমস্ত দায় দায়িত্ব নিচ্ছি, আপনাদের জানমাল এবং আপনাদেরকে আমি কথা দিচ্ছি যে আপনারা আশাহত হবেন না। ইনশাআল্লাহ আপনাদের যত দাবি আছে সে দাবিগুলো আমরা পূরণ করব এবং দেশে একটা শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে নিয়ে আসব। बांग्लादेश की सेना की तादाद 1.5 लाख से ज्यादा है। अब आगे वो जो भी करेगी दुनिया पर उसकी नजर होगी। वैसे 58 वर्ष के नए नए आर्मी चीफ वकार उज जमा ने एक तरह से बहुत आराम से शेख हसीना को पद से हटाकर अपने हाथ में देश की कमान ले ली है। लेकिन बड़ा सवाल है कि बांग्लादेश में इतनी पब्लिक ढाका की सड़कों पर कैसे आ गई? तो इस गुस्से को समझने के लिए आपको इसकी वजह समझनी होगी। शेख हसीना सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जुलाई में तेज हुआ। जुलाई में आरक्षण को लेकर बवाल तब फूटा जब हजारों छात्र बांग्लादेश की सड़कों पर उतर आए। मुद्दा 1971 में बांग्लादेश की आजादी के लिए लड़ने वाले लोगों के रिश्तेदारों को सिविल सेवा में आरक्षण का रहा। विरोध देखकर सरकार ने ज्यादातर कोटा वापस ले लिया, लेकिन छात्रों ने विरोध प्रदर्शन जारी रखा। जुलाई महीने में हुई हिंसा में ही 200 से ज्यादा लोग मारे गए। इनमें से कई लोगों की मौत पुलिस की फायरिंग में हुई थी। 2 हफ्तों के दौरान करीब 10,000 लोगों को हिरासत में लिया गया। सड़क पर चलती गोली, छात्रों की गिरफ्तारी, बांग्लादेश में खून बहता रहा और दुनिया देखती रही इस बात से अनजान कि इसकी सजा शेख हसीना सरकार को मिलने वाली है। সরকার এটা বলতে পারে যে রাজনৈতিকীকরণ করা হচ্ছে, যেখানে প্রথম থেকেই আমরা বলছি যে আমরা সাধারণ শিক্ষার্থী, আমরা চাচ্ছি যে একটা দেশে কিভাবে, এটা তো একটা ন্যূনতম কমন সেন্সের ব্যাপার যে একটা দেশের 100% এর মধ্যে 56% কখনো কোটা থাকতে পারে না, কখনো থাকতে পারে না। কোনো সুস্থ একটা দেশে সুস্থ সমাজ ব্যবস্থায় কখনো 56% কোটা এটা মেনে নেওয়ার মতো না। तो सबसे बड़ा सवाल पूछा जा रहा है कि अब शेख हसीना का क्या होगा। बांग्लादेश पर अगले 24 घंटे बहुत भारी हैं। अब तक की रिपोर्ट बता रही है कि शेख हसीना को मालूम था कि उनका सत्ता में अब टिके रह पाना मुश्किल है, लेकिन अब उनके पास क्या विकल्प हैं देखिए। ये भीड़ किसी भी कीमत पर प्रधानमंत्री शेख हसीना का इस्तीफा चाहती थी। जुलाई में जबरदस्त हंगामे और हिंसा के बाद अगस्त में शेख हसीना को पद छोड़ना पड़ा और देश शेख हसीना को अपनी सरकार जाते हुए नजर आ रही थी, ठीक वैसे ही जैसे ताश के पत्तों की इमारत ढह जाती है। इसीलिए शेख हसीना ने हिंसा को खत्म करने के लिए छात्र नेताओं से बिना शर्त बातचीत की पेशकश की थी। शेख हसीना ने कहा था कि मैं आंदोलनकारी छात्रों के साथ बैठकर बात करना चाहती हूं, मैं कोई संघर्ष नहीं चाहती। আপনারা অতি শীঘ্রই নেমে আসুন, আপনাদের সন্তানদেরকে বাঁচান, আপনাদের সাহায্য আমাদের প্রধানমন্ত্রী বলেছে কি বলেছে আন্দোলন করছে না। छात्र नेताओं ने शेख हसीना के इस्तीफे की मांग को लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन का ऐलान किया। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो टैक्स और दूसरे सरकारी बिल जमा न करें। इसके अलावा फैक्ट्री, सरकारी दफ्तरों को बंद करने की अपील की गई। ये गुस्सा इसलिए भी रहा क्योंकि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना प्रदर्शनकारी छात्रों को आतंकवादी करार दे चुकी थी। ऑल द मिस रूल एंड मिस डीड एंड टेररिस्ट एक्टिविटीज एंड करप्शन नेपोटिज्म, so people rejected them, right? That is the main. But when Awami League
again come back to power, we work for country's development. बांग्लादेश में 4 जुलाई को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक हुई। इस बैठक में शेख हसीना ने प्रदर्शनकारियों से कड़ाई से निपटने का निर्देश दिया था। बैठक में कहा गया कि प्रदर्शनकारी आंदोलन के दौरान आतंकी हमला करना चाहते हैं। छात्र संगठनों ने भी आरोप लगाया कि सरकार इस चेतावनी के बहाने उन पर जुल्म करने के लिए तैयार हो चुकी है।